बिहार में नागपुर रीवा नेशनल हाईवे पर पुल के नीचे युवक की लाश मिली है। घटनास्थल पर बाइक भी मिली है। मौके पर जमा भीड़ ने सिहोरा पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान सबके जबड़े, सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान ग्राम बरगी के रहने वाले अमित तिवारी उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि यह एक्सीडेंट नहीं है बल्कि हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर सबको पीएम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि शनिवार की दोपहर भैंस चराने वाले शख्स ने पानी में लाश देखी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे निकलवाया। उसकी पहचान बरगी निवासी अमित तिवारी के रूप में हुई। जांच में पता चला कि रात को अमित खाना खाने के बाद बजरंगबाड़ा स्थित रेस्टोरेंट जाने के लिए कहकर घर से निकला था। रात 10 बजे तक वह रेस्टोरेंट नहीं पहुंचा। अमित के बड़े भाई ने रेस्टोरेंट में बैठे छोटे भाई अरविंद को फोन कर पूछा भी था। भाई आनंद तिवारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे के अमित को फोन लगाया। अमित ने बताया कि वह रेस्टोरेंट पहुंचने वाला है। कुछ देर बाद अमित बाइक से रेस्टोरेंट पहुंचा, जहां सबसे छोटा भाई अरविंद पहले से मौजूद था। यहां अमित के मोबाइल की घंटी बजी। कॉलर ने अमित को मिलने बुलाया। इतना सुनते ही अमित संबंधित से मिलने चला गया। रात में आनंद ने अमित को कई बार फोन लगाया। अमित का फोन कवरेज एरिया से बाहर और स्विच ऑफ बता रहा था। मृतक के भाई आनंद का आरोप है कि मामले को साजिश के तहत दुर्घटना बताया जा रहा है। साजिश के तहत हत्या की गई है। सिहोरा थाना पुलिस अब CDR के माध्यम से जांच करने में जुटी है।